नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग मामले की सुनवाई करते हुए अनसुटेबल नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को बड़ी राहत दी है। आज हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने मेडिकल यूनिवर्सिटी को सभी अनसुटेबल 66 कॉलेज के छात्रों को परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए बकायदा पोर्टल बनाकर उसमें छात्रों को एनरोलमेंट करने के लिए कहा है, जिससे 4 साल से परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य की रुकावट दूर होगी। बता दें कि नर्सिंग कॉलेज घोटाला उजागर होने के बाद से कॉलेजों की परीक्षाओं पर रोक लगी हुई थी, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। बहुत समय से प्रतीक्षा में थे वो सभी छात्र अपनी परीक्षाओं और एनरोलमेंट को लेकर, जो कि इन वो कॉलेजों से हैं जो जिनके कॉलेज सीबीआई जांच में अनसुटेबल पाए गए थे। तो माननीय उच्च न्यायालय ने उनके मामले में आदेश पारित किया है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी उन सभी छात्रों के जो अनसुटेबल कॉलेजों के हैं उनके एनरोलमेंट के लिए पोर्टल ओपन करेगी और वो उनको परीक्षा में बैठाए जाना सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि यह विस्तृत आदेश माननीय उच्च न्यायालय का वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है, किंतु मौखिक सुनवाई में यही निर्देश पारित हुए हैं। पवन पटेल हमारे सहयोगी हमारे साथ जबलपुर से लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर। पवन, ये अनसुटेबल नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को ये बड़ी राहत है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि तमाम छात्र जो 66 अनसुटेबल कॉलेज पाए गए थे उन छात्रों को ये परीक्षाएं 4 साल से लंबित हैं। 2021-22 की जो परीक्षाएं होना थी उसमें भी वो अपीयर नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि इसकी जांच चल रही थी सीबीआई की द्वारा, और सीबीआई की जांच में जिन अनसुटेबल कॉलेजों को 66 कॉलेजों का अनसुटेबल पाया गया था वहाँ की परीक्षाएं रोक दी गई थी। लेकिन अब हाईकोर्ट ने उन छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए हैं, उन्हें भी पोर्टल पे एनरोलमेंट के साथ में एनरोल करके और परीक्षाओं में बिठाने के निर्देश दिए हैं। तो हजारों ऐसे छात्र जो अनसुटेबल कॉलेजों में जिन्होंने एडमिशन लिया था और अनसुटेबल पाए जाने के बाद से उनकी परीक्षाएं रुकी हुई थी, जिनका भविष्य आधार में लटका हुआ था, उन्हें बड़ी राहत मिली। पवन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। भिंड की बात करते हैं, जहां दिनदहाड़े बाजार में गुंडागर्दी देखने को मिली है। दबंगों ने बाजार में जमकर उत्पात मचाया, दबंगई दिखाते हुए बैंड से मारपीट की है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। कुल 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं भिंड की, जहां दिनदहाड़े दबंगों का ये उत्पात देखने को मिला है। बाजार में सरे रहा दबंगों ने ये हुड़दंग किया है, उत्पात मचाया है। 5 लोग हैं जिन पर मामला दर्ज किया गया है। दबंगे दिखाते हुए बैंड से मारपीट की है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें भिंड की आप देख सकते हैं, किस तरह से पीछे से शोर भी आपको सुनाई दे रहा है। ये देखिए, लोग भागते हुए, किसी के हाथ में डंडा है, कोई किसी पर हमला कर रहा है, कोई किसी बचने की कोशिश कर रहा है। ये पूरी दबंगई दिखाते हुए बैंड से मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम को किसी ने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद ये वीडियो वायरल है। रवि रमन त्रिपाठी हमारे सहयोगी भिंड से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि रमन, ये बताएं कि ये कौन थे ये लोग, क्या विवाद था, कब का ये वीडियो है? ये पढ़ना, मैं आपको बता दूं कि विवाद की स्थिति जो पैदा हुई है वो प्रवीण चौहान से जब हमारी बात हुई, तो उनका कहना है कि इनका पुराना विवाद चल रहा था और ये रैकी कर रहे थे, जो वीडियो में मारपीट कर रहे थे युवक के साथ। वो युवक हाथ लगाकर शहर पुजवानी थाना इलाके के गौरी किनारे से इनकी रैकी कर रहे थे और ये किसान देख रहे थे कि जमकर इनकी मारपीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुंह बांध के आए थे करीब आधा दर्जन युवक, जिन्होंने बेल्ट से डंडे से इतनी बेरहमी से मारपीट की है। और वहां दुकानदारों ने बचाने का, जिन लोगों ने बचाने का प्रयास किया उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। और कहीं ना कहीं ये सरे रहा और भीड़ बाजार की ये घटना कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा करती है कि आखिरकार इतनी बड़ी वारदात हो रही है, लगातार शहर में सामाजिक तत्व टाइप के जो लड़के हैं वो मुंह बांध के घूम रहे हैं, बाइक पर घूम रहे हैं, लेकिन कोई रोक टोक नहीं करने वाला दिखा। और इनको अगर यदि पहले ही अगर इनको रोक लिया जाता तो हो सकता है कि इस व्यक्ति को बचाया जा सकता। फिलहाल कोतवाली थाने में वीडियो के आधार पर धन्यवाद रवि आपका जानकारी के लिए।
देश और प्रदेश में कानून का राज है, लेकिन कानून व्यवस्थाओं को धता बताते हुए मारपीट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। तस्वीरें सीहोर और रीवा की हैं। सीहोर के शाहगंज थाने के बनेटा में कुछ युवाओं ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की है। पाइप से उसे मारते मारते बेदम कर दिया। युवक गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन इन्हें जरा सी दया नहीं आई। पुलिस ने चार पर मामला दर्ज किया है। वहीं रीवा में दिन दहाड़े युवक की सरेराह पिटाई की गई है। बदमाशों ने लाठी डंडे और बेल्ट से युवक को पीटा है। सड़क के बीच हो रही मारपीट के दौरान लोग तमाशबीन बने रहे। बदमाशों ने दुकान में भी घुसकर युवक को पीटा। ग्वालियर ग्रामीण सीट से कांग्रेस के विधायक साहब सिंह गुर्जर पर मारपीट का आरोप लगा है। मऊ पहाड़ी के आदिवासियों ने मारपीट का आरोप लगाया है। आदिवासी ट्रांसफार्मर की मांग लेकर विधायक के घर गए थे, जहां उन्होंने विधायक पर दरवाजे से भगाने का आरोप लगाया और महिलाओं से मारपीट का भी आरोप लगाया। उनका आरोप है कि कांग्रेस विधायक ने महिलाओं को लात घूंसों से मारा। बहरहाल एएसपी ने मामले की जांच का भरोसा दिलाया है, तो वहीं बीजेपी ने मामले पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। तो आपको बचाया किसने? गए थे उनसे लाइट की समस्या कही, कैसा पांच बेर आया हम आपके पास, आपको वोट दिए, आपको जिताया, आप हमारी समस्या पूरी करो। चलो गेट से बाहर निकलो, पहले तो आप लोग गेट से बाहर निकले आए, कोई बात नहीं, चलो चलो गेट से बाहर निकल गए। उसके बाद में उनने लेडीज में हाथ उठाया, लेडीज को मारा, फिर आदमी को मारने लग गए जी। ये महाराजपुरा थाना क्षेत्र के मऊ गांव का है, मऊ पहाड़ का रहने वाला है। इनके द्वारा ये आरोप लगाया कि विधायक साहब सिंह गुर्जर द्वारा इनके साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट किया गया है। तो जो महिला आया है उनके साथ कुछ पुरुष भी है, तो एसपी से मिलने की तुरंत मिलने का डिमांड कर रहा था। वो एसपी कल अनअवेलेबल है, एक मीटिंग में गया हुआ है, तो मैंने इनसे मिल लिया और ये बोला है कि जो भी आरोप है वो क्लियरली लिखित में देने के लिए बोला है और थोड़ा सा वेट करके एसपी साहब आगे। देखिए आप, पहले तो आपने आदतन अपराधियों को बढ़ावा देकर मध्य प्रदेश में टिकट दिए, जब वो आदतन अपराधी जैसे तैसे चुनाव जीत गए, अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, अब दलित महिलाओं को बाल पकड़कर मार रहे हैं। अरे जीतू पटवारी जी, पहले तो आप दलित महिलाओं में चासनी खोज रहे थे, अब इस प्रतिस्पर्धा में आपके विधायक दलित महिलाओं को बाल पकड़कर मार रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। यही स्थिति है कांग्रेस में, कभी महिलाओं को जूते चप्पल मारकर निकालने की बात होती है तो कभी महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन कहा जाता है। अब आपके नेता इसमें आगे निकलने की दौड़ में शामिल हो गए हैं, कोई बाल पकड़कर मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, शर्म आनी चाहिए और ऐसे नेताओं को सलाखों के पीछे होना चाहिए। इस बीच आदिवासियों से मारपीट पर विधायक ने सफाई पेश की। साहब सिंह गुर्जर ने कहा कि वो रोज लोगों की समस्या सुनते हैं, आज भी कुछ लोग समस्या लेकर आए थे, इनके लिए मैंने बिजली अधिकारियों से बात की और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही प्रपोजल बनाकर इस पर नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इन लोगों में से कुछ लोगों ने शराब पी रखी थी और यहां हंगामा किया, हम भी इनकी शिकायत करेंगे। साहब सिंह का कहना है कि किसी ने उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की है। निराधार गलत है, वो आरोप लोग जो लगा रही हैं वो गलत है। मुझे आपके ही माध्यम से पता चला है कि वो एसपी ऑफिस पहुंच गई हैं, जबकि सुबह 11:30 बजे करीब वो मेरे यहाँ आए। तो मेरा तो रोज का काम है, मैं जनसुनवाई करता हूँ, क्षेत्र की जनता जो आती है, गरीब मजदूर किसान, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उनका सम्मान करता हूँ, चाय पानी पिलाता हूँ, उनकी समस्या सुनता हूँ, रोज का मेरा नियम है। कोई समस्या लेके आता है तो संबंधित अधिकारी को बोल सकते हैं, बता सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, किसी को मौका तो देना चाहिए ना। आज आपने कोई समस्या बताई है उसके लिए समय तो लगेगा। तो इतनी इनको तसल्ली नहीं हुई जो वहां से निकल के बाहर नारेबाजी करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे, गाली गलौज करने लगे, और नशे की हालत में थे कुछ लोग उसमें से, और जरूर कोई ना कोई इसमें साजिश है, चाहे किसी ने भी, राजनीति आप जानते हो, चाहे सिका पड़ा के किसी ने भेजा हो या कोई भी साजिश है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां नकली नोट छापने का गोरख धंधा सामने आया है। नकली नोट छापने वाले दो गिरफ्तार किए गए हैं। 50, 100, 200, 500 के नकली नोट इनके पास से मिले हैं। 2,04,000
450 के नकली नोट इनके पास से मिले हैं। जनकगंज के जागृति नगर इलाके में ये नकली नोट छाप रहे थे। कलर प्रिंटर, इंक, बटर पेपर के साथ ही दूसरा सामान भी मिला है। आरोपी 2 लाख के नकली नोट अशोकनगर भेज चुके थे। ये क्राइम ब्रांच ग्वालियर द्वारा एक कार्रवाई किया है। फेक इंडियन करेंसी नोट का एक प्रिंट करने वाले एक गैंग को पकड़ा है। उनमें से 2 आरोपी अब गिरफ्तार किया है। मुखबिर द्वारा सूचना मिला है कि जनकगंज थाना क्षेत्र में जागृति नगर पे एक मकान किराए पे लेकर करेंसी, फेक इंडियन करेंसी चपवा रहे, तो उस इनपुट को डेवलप किया था और रविवार देर रात वहाँ पे रेड किया था। वहाँ पे 2 लोग मिला था, 2 आरोपी को गिरफ्तार किया और उनके पोजेशन से 2,09,000। इधर नर्मदापुरम और रायसेन जिले में मूंग खरीदी को लेकर किसानों में खासा आक्रोश सामने आया है। आपके टीवी स्क्रीन पर नर्मदापुरम और रायसेन की तस्वीरें हैं, जहां मूंग खरीदी और स्लॉट बुक नहीं होने से नाराज किसानों ने सड़क पर बाड़ लगाकर चक्का जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ही तरफ 4 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। वहीं रायसेन में जिला मुख्यालय के पास किसानों ने चक्का जाम कर दिया। सागर रायसेन मार्ग पर गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। मैहर जिले के आधा दर्जन गांव में डायरिया जानलेवा हो चुका है। अब तक 4 लोगों की जान ले चुका है, जबकि हर दिन नए मरीज सामने आ रहे हैं। डायरिया फैलने की वजह दूषित पानी बताया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन इन प्रभावित गांव में टैंकर से पीने के पानी की सप्लाई कर रहा है। आरोप है कि सूचना के बावजूद स्वास्थ्य विभाग प्रभावित गांव में डायरिया नियंत्रित कर पाने में अक्षम साबित हो रहा है। जा रहे हैं और संख्या पहले के मुकाबले काफ़ी कम है। काफ़ी लोगों को आराम मिला है, उपचार हुआ है और वो ठीक होकर वापस गए हैं। उसके अतिरिक्त जिन लोगों का उपचार चल रहा है उनका उपचार ठीक ढंग से, इसलिए एसडीएम साहब और हम लोग यहाँ भ्रमण किए हैं और इसको देखा है और यहाँ की व्यवस्थाओं में और सुधार के निर्देश दिए गए हैं। शाजापुर में उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने एक रिश्वतखोर पटवारी को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान जमकर ड्रामा भी देखने को मिला। जैसे ही इस पटवारी ने लोकायुक्त पुलिस को देखा, उसने रिश्वत के रुपए जमीन पर फेंककर खेत में दौड़ लगा दी। लोकायुक्त पुलिस ने पीछा कर कीचड़ में लथपथ पटवारी को पकड़ा। पटवारी शाहिद शाह ने किसान प्रेम सिंह गुर्जर से उसकी 13 एकड़ पुश्तैनी जमीन के बंटवारे और पावती बनाने के नाम पर 45,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। बात करेंगे बैतूल की, जहां गुजरात के कच्छ जिले से बैतूल के 7 मजदूरों को रेस्क्यू करके वापस लाया गया है। बैतूल वापस आए मजदूरों ने बताया कि गुजरात का एक ठेकेदार उन्हें अपने साथ ये कहकर ले गया था कि उन्हें केक बनाने वाली कंपनी में नौकरी करनी है, लेकिन कच्छ ले जाकर उन्हें धोखे से खाद्य तेल बनाने वाली एक कंपनी में लगा दिया गया। कंपनी में रोजाना मजदूरों से 10 से 12 घंटे तक काम करवाया जाता। इतना ही नहीं, हर मजदूर को 18,000 हर महीने सैलरी का वादा करके सिर्फ 4 से 5,000 सहित वेतन दिया जा रहा था। जब मजदूरों ने वापस लौटने की बात कही तो उनके साथ गाली गलौज हुई, मारपीट हुई। इस बीच एक मजदूर कंपनी से भागकर वापस बैतूल आया और पुलिस को सूचना दी।